तो नमस्कार, मैं इस पार्ट सेवन में आप लोगों को बताने वाला हूँ ई कॉमर्स के लास्ट चेकआउट के काम को, जिसमें हम लोग पेमेंट करने का काम करने के बाद क्या होगा उसके लिए। मैं कल लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने बनाया था कि एक मेक पेमेंट नाम से फंक्शन तैयार करेंगे और उसमें ये काम करेंगे कि हमारा कार्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है इन सबको? ठीक, तो चलिए इसमें क्या काम है देखते हैं। सबसे पहले तो हमको ऑर्डर उठा लेना है। कौन सा ऑर्डर है भैया? तो मेक पेमेंट नाम का जो फंक्शन होगा वो यही करेगा, मतलब ऑर्डर नाम का फंक्शन पहले पिकआउट करेगा, उसके बाद ऑर्डर आइटम को भी निकालेगा इसी तरीके से। ऑर्डर आइटम इज इक्वल टू ऑर्डर आइटम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर यूज़र, जो कि रिक्वेस्ट किया हुआ यूज़र के बराबर होगा, या फिर ऑर्डर्ड जो कि फॉल्स होगा, और एक और चीज़ जिसका ऑर्डर एक मिनट बस। देखो, तो ऑर्डर आइटम निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर डॉट आइटम्स डॉट ऑल, तो इससे भी तो निकल जाएगा मेरा सारा ऑर्डर आइटम। तो ऑर्डर आइटम जितने भी होंगे, आइटम्स कर देते हैं, उसको मैं कहूँगा कि ट्रू कर दो। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ऑर्डर डॉट आइटम, ऑर्डर आइटम्स डॉट अपडेट ऑर्डर ट्रू। ठीक है, और सबको सेव करना होगा, तो फोर ईच लूप लगाते हैं आइटम नाम से, फोर आइटम इन ऑर्डर आइटम्स। ठीक है, सब में क्या करना, आइटम डॉट सेव, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, तो ऑर्डर में ऑर्डर डॉट ऑर्डर्ड को ट्रू कर देना है, और साथ में ऑर्डर डॉट सेव कर देना है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ऑर्डर में रेफरेंस कोड रखा था, देख लेता हूँ शायद रखा था कि नहीं। REF कोड, देखो ये वाला, इसको भी अपडेट करना होगा, यानी कि पेमेंट जब हो जाएगा तो हमको एक रेफरेंस कोड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखूँगा ऑर्डर डॉट REF कोड इज इक्वल टू रेफरेंस कोड, यहाँ पे डालना है, तो गेट REF कोड। ठीक है ना, और इसमें मैं कोड चाहता हूँ 8 डिजिट का, तो मैंने इसलिए 8 लिखा है। ये फंक्शन बना नहीं है, बनाना है, तो मैं ये फंक्शन को यहाँ बनाता हूँ डिफ गेट REF कोड, और यहाँ बीच में पास करते हैं डिजिट, कितना डिजिट में बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न, और मुझे एक रैंडम नंबर का एक लिस्ट चाहिए, यानी कि ढेर सारा रैंडम नंबर चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमको, इम्पोर्ट रैंडम, और इंपोर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम
इस फंक्शन में यही करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाते हैं उसके बाद डॉट ज्वाइन डॉट ज्वाइन रैंडम चॉइस और उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स, उसके बाद बताना है के इज इक्वल टू कितना डिजिट, तो डिजिट इसमें डाल देंगे। तो ये बेसिकली क्या करेगा, स्ट्रिंग का जो है ना रैंडम डेटा निकालेगा। मतलब 8 डिजिट का कोई भी नंबर रैंडम डालेगा हर बार अलग अलग, तो इससे मेरा एक ऑर्डर आईडी जनरेट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसे रखा। तो ये फंक्शन को मैंने यहाँ कॉल कर लिया और 8 डिजिट का रैंडम कोड सेव हो जाएगा ऑर्डर में। ऑर्डर में सेव हो जाने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे, रीडायरेक्ट, कहाँ रिडायरेक्ट करें तो होम पेज में करते थे, ठीक है ना, बाद में हम कहीं और भेजेंगे। चलिए इसके बाद क्या करना है, तो मेक पेमेंट को लिंक कर देना है। अच्छा एक और चीज़ मुझे करना ये है कि ये फॉर्म से एक डेटा आएगा, क्योंकि ये एक फॉर्म है, हम आपको दिखाते हैं चेकआउट पेज में, ये एक फॉर्म है ठीक है। इस फॉर्म में यहाँ पर यूआरएल तैयार होगा मेक पेमेंट नाम से, और ये फॉर्म मेथड फॉर्म, और इसमें हम लोग डालेंगे CSRF, टोकन, और ये जो नेम यहाँ आप देख रहे हैं सेलेक्ट में, ये हम लोग डाल देंगे एड्रेस, और जो लूप चल रहा है उसमें आईडी पास हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का ठीक है। तो एड्रेस नाम का इन सेलेक्ट है जिसको हम लोग पास आउट कर रहे हैं। व्यू में यहाँ पर लिखेंगे इफ़ req डॉट मेथड पोस्ट, उसके बाद क्या करेंगे एड्रेस को, एड्रेस आईडी को सेव करेंगे इस तरीके से req.post.get, क्या नाम से है एड्रेस नाम से, उसका क्या करना है तो उसे निकालना है डेटा। तो क्या डेटा निकालना है, देखिए एड्रेस इज इक्वल टू कैपिटल एड्रेस डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, जिसका यूज़र रिक्वेस्ट डॉट यूज़र यानी लॉगिन क्या हुआ यूज़र हो, और जिसका आईडी एड्रेस आईडी के बराबर हो उसको निकाल लो ठीक है। निकालने के बाद क्या करना है, उसको इंसर्ट कराना है ऑर्डर में। तो आप जाके देखेंगे तो ऑर्डर टेबल में एक एड्रेस नाम का फॉरेन की है जिसको आपको यहाँ पे फिल करना है। क्या नाम है, ऑर्डर डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस जो ऊपर वेरिएबल बना हुआ है, सेव होने से पहले लिखना है, ध्यान रखना है इस बात का। और आपका ये पूरा मेक मेथड पेमेंट कम्प्लीट हो गया, URL बनाना बाकी है। तो मैं URL बनाऊंगा और यहाँ पे एक URL इस तरह से तैयार करूँगा मेक पेमेंट नाम से, मेक पेमेंट, और यहाँ पर मेक डैश पेमेंट, ये इस तरह से नाम नहीं रखेंगे हम, पी कैपिटल ऐसे रखेंगे ठीक है। फंक्शन का नाम है मेक पेमेंट, वो ज़रूर यूज़ करेंगे, दैट्स इट। तो मेरे पास ये एक URL तैयार हो गया मेक पेमेंट का, अब एरर नहीं आएगा। मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ इस हालात में, मैं बाय नाउ पे जा रहा हूँ तो लॉगिन करने कह दे रहा है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और इसके बाद चेकआउट, उसके बाद मैं एड्रेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट ये लिंक है मेरा जिसके बाद ये काम करेगा। और देखिए इसके बाद अगर मेक पेमेंट में ज्वाइन नाम का जो फंक्शन है वो काम नहीं किया, उसकी वजह क्या है मैं देख लेता हूँ जाके, वो है व्यू में प्रॉब्लम। दो बार सिंगल कोट डॉट ज्वाइन के अंदर रैंडम चॉइस, अच्छा एक छोटी ब्रैकेट यहाँ में बंद नहीं हुआ है, ये एक बड़ी मिस्टेक रह गई यहाँ पे ज्वाइन वाला,
जिसका एरर यहाँ सामने हम लोग के आ गया, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर आप देखने पाएंगे तो बहुत एरर आने वाला आपको। तो मेक पेमेंट दोबारा से ट्राई करते हैं, क्योंकि कुछ एरर आ रहा है। अनमैच, ओहो ये तो ज़्यादा हो गया। चूज रैंडम स्ट्रिंग डॉट डिजिट ज्वाइन के बाद और रैंडम डॉट चॉइस के बाद, इधर से दो हो गया। ओह यहाँ पे जो छोटी ब्रैकेट बंद हुआ वो गलत हुआ, ये इशू है, और ये छोटी ब्रैकेट यहाँ बंद होता तो अब सॉल्व है। देखिए एड्रेस लोकल वेरिएबल असाइंड नहीं हुआ है ये कह रहा है। एक और एरर दिख रहा है यहाँ पे, एड्रेस वेरिएबल इफ़ के अंदर है और हम लोग ये सारा काम इफ़ से बाहर किए हैं, जो कि ख़तरनाक है। तो इसलिए हम एक टैब अंदर कर देंगे, जो कि सब का सब काम इफ़ के अंदर आ गया। ठीक है, अब देखिए कोई एरर नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करेंगे, इससे से वापस से सबमिट। होम पेज नाम का कोई उसको यूआरएल नहीं मिला, तो मेरा यूआरएल नाम होम पेज नहीं है क्या? तो इसके लिए यूआरएल डॉट पाई में चेक करेंगे। ओ होम पेज नाम से कोई पेज ही नहीं है, सिर्फ होम है, तो इसीलिए ये एरर दे दिया। हम इसको होम पेज को होम कर देते हैं, बहुत आसानी से ये चेंज हो जाता है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब मेरे पास कार्ट में मैं जब जाऊंगा, यहाँ पे कार्ट का लिंक नहीं डाला हुआ, ठीक है ना, तो मैं डाल के आता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिखे, ज़्यादा समझें। तो मेरा जो पब्लिक में बेस है उसमें कार्ट का लिंक नहीं बनाए हम, यहाँ पे देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पर मेरा कार्ट का लिंक हमको तैयार करना है। इस तरह से कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट यूआरएल और मैं यहाँ लिखूँगा कार्ट, ये मेरा यूआरएल कार्ट का ऐड हो गया। क्या बात है, शानदार ज़बरदस्त। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि इसमें ऑर्डर नहीं है, देखिए ऑर्डर नॉट मैचिंग बता रहा है, तो ये एक्सेप्शन है जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है, उसको हैंडल किया जा सकता है। हालांकि हम दिखाते हैं आपको कैसे हैंडल किया जा सकता है। ये जो आपका व्यू है इसमें कार्ट का जो पेज है, यानी कि चेकआउट से पहले ऑर्डर समरी थी, यहाँ पर ऐसा कोई मैसेज नहीं लिखा हुआ कि ट्राई करो, नहीं है तो रिडायरेक्ट कर दो, तो मैं ऐसा कर देता हूँ ट्राई, ठीक है, और ये चीज़ें अंदर डाल देता हूँ। और उसके बाद एक्सेप्शन एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट डज नॉट फाउंड, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग को बुलाना होगा फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट एक्सेप्शन इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट डज नॉट फाउंड, ये एक मैसेज है जो मैं यहाँ पे अपना अप्लाई करूँगा एक्सेप्ट में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा डज नॉट फाउंड, उसमें क्या करना होगा, तो हम लोग कि रिटर्न कर दो, रीडायरेक्ट कर दो होम पे। तो ये क्या होगा कि अभी मैं कार्ट पे जाऊँगा, मेरा कोई भी नहीं तो होम पे भेज देगा, हमको एरर नहीं दे रहा। तो इसी एरर को हैंडल करने को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि नॉर्मली हम लोग जानते हैं। तो अब देखेंगे आप, इसका एडमिन पैनल हमको दिखाते हैं। अब आप देखेंगे एडमिन पैनल में कि आपका जो भी ऑर्डर अभी था वो फॉल्स था, अब ये ट्रू हो गया है। यहाँ देख पाएंगे आप ऑर्डर, और ऑर्डर में देखिए ये टिक लग गया है, यहाँ पे टिक लगने का मतलब ये ट्रू हो गया। इसका जो ऑर्डर आइटम है उसमें भी टिक लग चुका है, दिखाता हूँ, देखिए ये टिक लग गया, ये बता रहा है कि ऑर्डर ट्रू हो गया है। तो ट्रू ऑर्डर कार्ट में नहीं दिखेगा, ऐसा शुरू से करते आ रहे हैं हम लोग, वो कहाँ दिखेगा, तो माई ऑर्डर पेज में दिखेगा। लेकिन उससे पहले आपको हम एक चीज़ बताते हैं, ये कार्ट में कितना आइटम है ये काउंट कैसे होगा, और मेरे सामने बैठा जय है उसको भी इसकी ज़रूरत है ना जय, कार्ट कैसे काउंट करेंगे, ये ना था मतलब टेक्स्ट दो जगह, मतलब तो हम आपको बताते हैं कस्टमाइज टेम्पलेटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब हम अपना खुद का टेम्पलेट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान काम है, आपको एक अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, इस ई कॉम वाले फोल्डर में ही आपको एक टेम्पलेट टैग नाम का फोल्डर बना लेना है, टेम्पलेट टैग्स नाम से फोल्डर बना लेना है। तो जैसे मान लीजिए
मैं लिख रहा हूँ टेम्पलेट टैग्स, ऐसे नाम है, मैंने लिख लिया। अब इसके अंदर में एक फ़ाइल बनाते हैं, जो भी फाइल हम बनाएंगे उसका नाम कुछ ऐसे रखते हैं, जैसे मान लो कार्ट काउंट करने के लिए, तो कार्ट टेम्पलेट काउंट टैग डॉट पाई। तो ये कार्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कार्ट टेम्पलेट टैग, इसके अंदर आपको क्या करना है, तो इसके अंदर आपको टेम्पलेट खुद का बनाने के लिए एक बेसिक इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जैसे फ्रॉम जेंगो इम्पोर्ट टेम्पलेट फ्रॉम कोर डॉट मॉडल, सॉरी नाम क्या है, ई कॉम है, मॉडल इम्पोर्ट। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, तो ऑर्डर चाहिए बेसिकली, और ऑर्डर आइटम चाहिए। तो पहले हम ऑर्डर लिख देते हैं, मॉडल का नाम या फिर ऑल लगा देते हैं सिंपली। अब आपको एक वेरिएबल बनाना होगा, रजिस्टर इज इक्वल टू टेम्पलेट डॉट लाइब्रेरी, इस तरीके से ई कॉमी हो गया ये। तो अब इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं कार्ट आइटम काउंट। अब ये फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जो यूज़र है उसको पास कर देते हैं, अभी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो नहीं है हमको, यूज़र की ज़रूरत है, जो बंदा लॉग इन है ऐसा करके। इफ़ यूज़र डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, टी एच ई एन टी आई सी ए टी डी, अगर लॉगिन है मतलब इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर लॉगिन है तो एक क्वेरी सेट बनाओ की ओएस, क्या चीज़ का, तो ऑर्डर का, जिसका ऑब्जेक्ट फिल्टर करें यूज़र को मैच करके यूज़र से, और ऑर्डर फॉल्स होना चाहिए तभी तो हम काउंट करेंगे कार्ट को, तो फॉल्स लगा दिया। उसका लिखा इफ़ अगर क्वेरी सेट एग्जिट करता है तो रिटर्न करेंगे क्यू एस बड़ी ब्रैकेट जीरो डॉट आइटम्स डॉट काउंट, कितना आइटम है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ जो हम लोग यहाँ बनाए हैं, इसको लोड करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे, देखो अपने टेम्पलेट फोल्डर में और पब्लिक में बेस में, जो तो यहाँ पे मेरा कार्ट है, इस कार्ट में उसका नंबर दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम बनाते हैं एक स्पैन, यहाँ डिज़ाइन देखो स्पैन बना रहे हैं, उसमें बैच क्लास बैच डैश डेंजर ऐसा करके, और उसके बीच में हम लोग अपना वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। तो इसको लोड करना पड़ेगा आपके टेम्पलेट फोल्डर में, लोड करने के लिए आप किसी भी एक जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज लोड, आप पर कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट लिखना होगा इसका नाम, तो नाम है कार्ट टेम्पलेट टैग, इस तरीके से। तो इसका नाम जो फाइल का था वही मैंने उठाया, और जहाँ पर मुझे यूज़ करना है, जैसे ये जगह पर यूज़ करना है, मैं थोड़ा सा एंटर मार के इसको नीचे लाता हूँ ताकि ये इतना कन्फ्यूजिंग ना बन जाए। देखो तो ये कार्ट इस जगह पे हमको चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, यानी यूज़र जो भी है वो लॉगिन है, और उनका फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पे देखो ये फंक्शन का नाम है, इसको कॉपी करो और इस जगह पे डाल दो। तो यहाँ से पहले जो लिखा हुआ है और से पहले जो लिखा हुआ है वो पैरामीटर में पास हो जाएगा यूज़र, और फिर मैच करने लगेंगे, बहुत ईजी प्रोसीजर है। रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर हमको एक, अच्छा एक और चीज़ सुन लो, इसको हमको ऐड करना था इंस्टॉल ऐप में, तो इसलिए ये एरर दे रहा है, यहाँ पर हमको इंस्टॉल कर लेना है। रिफ्रेश एक बार और, यहाँ पे देखा जाए क्या हुआ,
अच्छा इंस्टॉल ऐप में ऐड नहीं करना पड़ता, सॉरी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नाम अभी भी नहीं आ रहा है, इसका कोई ज़बरदस्त इशू हो सकता है जो कि हमको चेक करना पड़ेगा। रिफ्रेश नहीं आ रहा है, इनवैलिड फ़िल्टर कार्ट आइटम, मुझे फोल्डर वगैरह चेक करना पड़ेगा कहाँ पे बना हुआ है, सही से जगह पे है कि नहीं, फाइल का नाम सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। टैम्पलेट टैग जो कि एक ई कॉम के अंदर बना हुआ है, का नाम चेक कर लेते हैं। कार्ड डैश ये यहाँ पर, सॉरी बेस में लोड किया हुआ है, लोड कार्ड डैश टेम्पलेट डैश टैग। ये इनवैलिड फ़िल्टर इसकी वजह क्या है, टैम्पलेट सिंटेक्स इनवैलिड फिल्टर, कहीं पे तो मैंने गलती कर दी है, मुझे जांच करना पड़ेगा। कार्ट आइटम पैरामीटर यूज़र, हाँ मुझे मिल गया। एक चीज़ इसमें आपको ज़रूर करना है वो ये है कि आपको @register.filter लिखना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है एज ए फ़िल्टर वर्क करेगा, ये बात बताने के लिए आपको रजिस्टर डॉट फिल्टर लिखना पड़ेगा। जो मैंने नहीं लिखा इसका सिंटेक्स एरर आ गया, ये देखिए सॉल्व हो गया। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, नन, नन का मतलब ज़ीरो से है, ये ज़ीरो रिटर्न कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा छेड़खानी कर देते हैं कि अगर कुछ नहीं है, यानी कि एल्स अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है या फिर क्वेरी सेट नहीं है तो रिटर्न ज़ीरो। तो फ़ायदा क्या होगा, अगर कुछ नहीं रहेगा तो ज़ीरो आ जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, देखो ज़ीरो आ रहा है। जैसे हम एक बाय नाउ पे क्लिक किया तो देखो ये वन हो गया। वैसे ही हमें ना एक और कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो देखो ये टू हो गया। एक को डिलीट करते हैं, अच्छा डिलीट ऐसे डिलीट करना, देखो वन हो गया वापस से। तो ये चीज़ें बड़ा सिंपल और स्मूथ काम कर रही है जो कि हम लोगों ने बनाया यहाँ पे कार्ड काउंटिंग। रहा बात अब थोड़ा सा ऊपर दिखाने का, तो उसके लिए थोड़ा सा डिज़ाइन और कर लेते हैं जहाँ तक पॉसिबल है। तो इस जगह पे हमको लिखते हैं इस जगह पे कि बैच डैश पिल, पिल का मतलब सर्कल कर दो। और दूसरा ये कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसको पूरा का पूरा कवर करते हैं एक टैग में जिसका नाम है सूप। सुपर स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा अप चला जाएगा ये, जैसे कोई पावर वगैरह लगता है। ये देखिए काफ़ी आसानी से लग गया। अब ये डायनेमिक है, जैसे मैं इसको हटा दूँगा ये ज़ीरो हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त दिखने वाला दिख रहा है। अब मेरा काम है माई ऑर्डर वाला पेज को दिखाना। माई ऑर्डर पेज वो ऑर्डर पेज है जिसके ऊपर हम लोग अपना काम ख़त्म करेंगे। देखिए कुछ ऐसे, हाँ बोलिए जो, देखो हर पेज में हम लोग को ये काउंट करना होगा ना ऊपर में, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोने में, वहाँ पे जीरो है ना। जैसे हम कोई प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो वन हो जा रहा है, फिर दूसरा प्रोडक्ट कर रहे हैं तो टू हो जा रहा है। तो इसका काउंट करने का काम है बस, और कुछ नहीं। कितना प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं अपने कार्ट में पहले बनाना, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है। अब इसके बाद आगे चेकआउट का पेज है और मेक पेमेंट का काम हम लोग कर लिया है। अब हम लोग माई ऑर्डर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जाते हैं एक पेज पे जिसका नाम है base.html।
और इस जगह पे लिंक लगा देते हैं एक इस तरीके का कॉन्टेक्ट लिखा होना, उसमें लिखते हैं माई ऑर्डर। माई ऑर्डर यानी कि मेरा जो ऑर्डर है वो दिखेगा इस पेज पे। देखो माई ऑर्डर का लिंक यहाँ तैयार कर दिया मैंने। अब पेज वेज थे सब तैयार करना होगा, तो व्यू में गए और सबसे नीचे एक डिफ लगाया, लिखा माई ऑर्डर रिक्वेस्ट, उसके बाद रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा होम सॉरी पब्लिक। ये पब्लिक नाम से नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, इसके लिए अलग से पेज बनाते हैं। अच्छा छोड़ो अभी बनाते हैं पब्लिक से ही। पब्लिक स्लैश माई डैश ऑर्डर डॉट एस टी एम एल एक पेज बनेगा उस जगह के लिए खास, जैसे यहाँ पर माई डैश ऑर्डर डॉट एस टी एम एल। ये बेसिकली मेरा कार्ट से बड़ा सिमिलर होगा, तो कार्ट के पेज पे हम जाकर उसकी चीज़ों को कॉपी करके अपने माई ऑर्डर में पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और जैसे इसमें ऑर्डर आइटम्स दिखाए गए हैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस हो गए और बाकी मेरा माई ऑर्डर का पेज बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें और भी काम करने बाकी रह जाएंगे, जैसे कि ऑर्डर कौन सा उठाएंगे, तो ऑर्डर जिसका ऑर्डर यूज़र रिक्वेस्ट डॉट यूज़र और ऑर्डर जिसका ट्रू हो जाए, ऑर्डर कौन है जिसका ट्रू हो जाएगा, ये आ गया। देखो इसको ट्राई एक्सेप्शन में डालते हैं, ट्राई एक्सेप्शन हो गया ये, और यहाँ लिखता है एक्सेप्ट अरे बा, इसीलिए तो नहीं आ रहा है, हम हिंट सोच रहे काहे नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट डज नॉट फाउंड। और अगर ऐसा होता है कि अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलता है तो अच्छा सॉरी एक मिनट, जिसमें मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं इसका ज़रूरत नहीं है, ट्राई हटाना पड़ेगा। ट्राई हमेशा सिंगल डेटा को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम नॉर्मली यहाँ पे फिल्टर किया है ताकि एक से ज़्यादा डेटा आ सके। तो हम एक डाटा नाम का वेरिएबल बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑर्डर, डाटा, ठीक है। तो ये ऑर्डर जितना भी है ना, जो पेमेंट कर चुका है यानी मेक पेमेंट पे क्लिक करके जिसका ऑर्डर फॉल्स से ट्रू हो गया है वो वाला डेटा यहाँ पे लूप चलेगा जो कि यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कार्ड है, इसको एक कार्ड में कवर करेंगे, एक और कार्ड बना लेते हैं ऊपर से। ये रहा एक कार्ड मैंने बना लिया है और उस कार्ड के अंदर कार्ड है, ठीक है ना। तो ये कार्ड मेरा जो है वो ऑर्डर फॉर लूप को चलाएगा, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज ऑर्डर इन ऑर्डर, इसमें ओल नाम रख लेते हैं ओ, और इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पर इसका एंड End फोर, यहाँ पे फोर लिखा नहीं हम, ये रहा। तो ये एक ऑर्डर चला मेन और एक ऑर्डर में जितना आइटम वो अंदर चला, तो ऑर्डर और ऑर्डर आइटम यहाँ पर इस तरह से कवर किया अपने आप को। अब देखो कार्ड डैश हेडर बना रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं ऑर्डर आईडी क्या होगा। तो मेरे पास जो रेफरेंसेस हैं ओ डॉट आर ई एफ कोड के नाम से वो यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह ओ डाल देंगे, तो ओ डॉट आइटम डॉट ऑल, इस ऑर्डर में कितना आइटम है उसको डाल दो। तो थोड़ा सा वेरिएशंस किए हैं, रिमूव का बटन हटा रहे हैं, क्वांटिटी का बटन हटा रहे हैं, ये सब हटा रहे हैं, ठीक है ना। प्राइस बाद में चेंज करेंगे, हटाएंगे, अभी रहने देते हैं। तो माई ऑर्डर का पेज का URL बच गया, URL को मैं यहाँ पर url.py में गया और यहाँ पर मैं चेकआउट की तरह माई डैश ऑर्डर एक URL तैयार कर लिया, माई ऑर्डर
और उसके बाद यहाँ पर व्यू में अब इसकी बारी है कि लिंक कर दिया जाए इसको। तो ये रहा लिंक, माय ऑर्डर, रिफ्रेश, माय ऑर्डर पे क्लिक किया। अब देखिए इधर साइट वाला बटन हटाना है क्योंकि ये ऑर्डर आईडी भी लेकर आ गया और कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे वो भी आ गया। तो और ये क्वालिटी जो इस साइट का सेक्शन है इसमें माय ऑर्डर के पेज पे क्वालिटी 4 एक सेक्शन है उसकी, उसको हटा देना है, उसको नहीं चाहिए। और क्वालिटी इधर का 9 है उसको 12 कर देना। तो ये हो गया माय ऑर्डर का पेज, माय कार्ट लिखा हुआ है, माय ऑर्डर लिख देते हैं। अब जैसे कोई बंदा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करता है, सपोज़ करो हम करके दिखाते हैं, जैसे मान लो ये एक चेयर को ख़रीदा और ये दोनों है, ठीक है, चेकआउट किया, यहाँ से कोर्स सेलेक्ट किया, मेक पेमेंट, और आपके सामने माय ऑर्डर का मेक डैश पेमेंट, रिटर्न नहीं किया एचटीटीपी, अरे यार इसमें कुछ इशू आ गया, फॉर्म तो हम किया काम, व्यू में मेक पेमेंट का पेज, URL चेक करें, माई ऑर्डर, एड टू कार्ट, मेक पेमेंट, सही है, कोई इशू नहीं है। वो एक्चुअल में उसका पंगा नहीं है, पंगा है यहाँ पे ये जो मैंने इफ़ के अंदर डाला है वो उसका पंगा है। यहाँ रिटर्न नहीं लिखा हुआ, बस इतना सा पंगा है, रिटर्न नहीं लिखा हुआ था। देखो माय ऑर्डर में क्या है, और देखो एक ऑर्डर आईडी का 2 प्रोडक्ट नज़र आ रहा है जो अभी हम ऑर्डर किए, एकदम परफेक्ट है ये, एकदम बन गया ये, ठीक है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, इसको बनाओ फिर आगे बढ़ेंगे।